एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर. देखो मैंने क्वेश्चन में आपको रफ में समझाती हूँ कि आपने सपोज दो नंबर लिए हैं, दो नंबर का आपको स्क्वायर कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद उनको माइनस करो तो क्या है, क्या मिलेगा, 180 मिलेगा. देखो यहाँ पे हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, कभी स्मॉलर नंबर में से हम बिगर नंबर को माइनस नहीं करते हैं. हमें क्या करना होता है, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करना पड़ेगा. इट मींस मुझे स्मॉलर नंबर, इसको मैं क्या लूंगी एक्स, और बिगर नंबर लार्जर नंबर को मैं क्या लूंगी वाई लूंगी. तो क्या लिखोगे, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड द लार्जर नंबर बी वाई. हमें देखो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हम हमेशा जब भी माइनस करते हैं हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं. अगर हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. हमें यहाँ पे नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 180 चाहिए. इसलिए मैंने स्मॉलर नंबर को एक्स लिया और लार्जर नंबर को वाई लिया. अब उन दोनों का हमें स्क्वायर करना है. हमें स्क्वायर करना है तो मैं y का स्क्वायर करती हूं, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 180. ये आपकी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट. अब देखो सेकेंड इक्वेशन में पढ़िए, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, यहां पे स्मॉलर नंबर क्या है x, उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर इज 8 times means 8 into 8 times the larger number. Larger number क्या है यहाँ पे 1. देखो उसने ये नहीं बोला है कि 8 times the larger number square. Larger number का उनने square करने के लिए नहीं बोला है, इसलिए मैंने 8 into y लिखा. तो क्या होगा equation, x square is equals to 8y. ये second equation है आपकी. अब देखो मैं x square की value अगर equation first में put कर देती हूँ, put x square is equals to 8y in equation first. इसको x square minus 8y को मैं यहां पे put कर देती हूं तो क्या होगा, देखो आपकी quadratic equation बन जाएगी उससे, y square minus 8y equals to 180. अब देखो यहां से आप RHS से LHS में ले आओगे तो y square माइनस 8y माइनस 180 इक्वल्स टू 0. ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. देखो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है. y की हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल क्या है, y है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है. इट मींस इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आप इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए. तो देखो 180 का पहले क्या लोगे आप, यहाँ पे y स्क्वायर, ये मैं रफ कर रही हूँ, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल्स टू 0 है. यहाँ पे a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 8 एंड c इक्वल्स टू माइनस 180. a और c का मल्टीप्लीकेशन करना है तो a और c का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 इंटू माइनस 180 तो माइनस 180 आएगा. आपको 180 का आप एलसीएम ले लीजिए, 180 नेक्स्ट 2 90 नेक्स्ट 2 से करोगे तो क्या आएगा 45. फिर आप 3 से भी कर सकते हो, 3 वन जा 3, 3 फाइव जा 15, 3 फाइव जा 15. अब देखो आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करोगे, आप जब आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करोगे तो आपको माइनस 8y चाहिए. क्या चाहिए, माइनस 8y. तो आप y स्क्वायर माइनस 8y के लिए आप क्या करोगे, देखो क्या होगा, 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो माइनस 18y प्लस देखो 5 2 जा 10 प्लस 10y माइनस 180 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या होगा y, y माइनस 18
प्लस 10 वाई माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, यहां पे करते हैं हम। अगर आप इसमें से देखो कॉमन लोगे तो क्या आएगा, y माइनस 18 और y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, देखो y माइनस 18 और y y माइनस 18 प्लस y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो आप इसमें से y निकाल सकते हो, y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू 18, देन y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपको मिल गई। देखो मैं y यहां पे जो नेगेटिव वैल्यू है इसको नेग्लेक्ट कर देती हूँ। क्यों मैं इस नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करूंगी, उसका रीजन देखिए कि देखो आप जब y की वैल्यू को पुट करोगे तब आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो आप y की वैल्यू किस में पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे। यहां पे अगर आप y की वैल्यू पुट करते हो तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y। यहां पे मैं दिखाती हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y, इसमें अगर मैं नेगेटिव की वैल्यू पुट कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस 10, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 80। तो यहाँ पे क्या है आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 80 है, तो आपका नेगेटिव का स्क्वायर कभी नहीं निकलेगा। यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगी तो अंडर रूट माइनस 80 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, वाई इक्वल्स टू माइनस 10 को नेग्लेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप वाई इक्वल्स टू 18 की वैल्यू को पुट कर दो तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्या लिखोगे, पुट y इक्वल्स टू 18 इन इक्वेशन 2, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 18 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 144। देन x इक्वल्स टू, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट 144। देखो अंडर रूट के अंदर से जब वैल्यू आएगी तो आपकी दोनों वैल्यू आएगी, प्लस भी आएगी और माइनस भी आएगी। ठीक है, तो x इक्वल्स टू देखो प्लस माइनस 12, क्या मिली आपको वैल्यू, प्लस माइनस 12। तो देखो अब आपके पास जो नंबर, उन्हें बोला ना फाइंड द टू नंबर, तो जो आपको दो नंबर मिलेंगे, देखो x क्या है, प्लस 12 भी है और माइनस 12 भी है। देखो यहां पे मैं लिखती हूं, माइनस 12 भी है और प्लस 12 भी है, ये क्या है, x है। तो हमें अभी आपको नंबर्स बनाने, तो आप नंबर्स कैसे बनाओगे, therefore the two numbers are, therefore the two numbers are, आपको दो नंबर बनाने हैं। ठीक है, आप दो नंबर बनाओगे, कैसे बनाओगे आप दो नंबर, देखो पहले आप लार्जर नंबर या स्मॉलर नंबर कोई ना कोई लिखोगे, पहले लार्जर नंबर लिखते हैं हमेशा, लार्जर नंबर क्या था आपका 18 और स्मॉलर नंबर क्या है 12। ठीक है, यहां पे एक नंबर 18 12 होगा या फिर 18 माइनस 12 होगा, ये दो नंबर्स होंगे आपके पास। 18 12 का स्क्वायर करो, 18 का स्क्वायर करोगे माइनस 12 का स्क्वायर करोगे तब भी आपको 180 मिलेगा। अगर आप 18 स्क्वायर माइनस ऑफ 12 स्क्वायर करोगे तब भी आपको आंसर कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। इट मीन्स आपके जो दो नंबर है वो कैसे नंबर है, 18 12 और 18 माइनस 12। हमने क्योंकि यहाँ पे y को क्या कर दिया था, माइनस नेगेटिव, y की नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया था, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि मैंने क्यों नेग्लेक्ट कर दिया। थैंक यू।